भाई ये वाला मैच अब तक का सबसे थ्रिलर मैच होने वाला है। DTC में प्लेटिनम 3 के बंदे से मैच लगा था। टॉस जीत के हमने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और पहली गेंद पे भाई यॉर्कर थी 226 नंबर का शॉट लगा के भाई यहाँ पे चौका बटोर लिया था हमने। भाई गेंदबाजी इनकी अच्छी हो रही थी भाई, इस बार बहुत ही तेज गति की गेंद थी भाई गुड लेंथ पे और डॉट हो गई। इस बार पुल शॉट खेला है लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं हुई, पर चौका यहाँ पे आसान तरीके से मिल जाएगा भाई। इस बार भी वहीं शॉट खेलेंगे हम अब बिल्कुल, और वहीं रिजल्ट भी मिलने वाला है भाई। चौका आ गया यहाँ पे लगातार भाई, यहाँ पे दो चौके आ चुके थे और भाई इस बार सीधे बॉडी पे जाके लगी है गेंद। और पहले ओवर तो यहाँ पे पावर प्ले के 12 रन आ गए थे। दूसरी गेंद यहाँ पे इस बार बहुत ही शॉर्ट गेंद थी और भाई मैंने गोल्ड शॉट लगा के यहाँ पे चौका बटोर लिया है भाई। भाई गेंदबाजी इनकी अच्छी चल रही थी, गुड लेंथ पे गेंद किया था इस बार, लेकिन हमने पीछे वाला शॉट भाई बहुत ही अच्छा शॉट है, पुल शॉट है और चौका यहाँ पे फिर से मिल गया भाई हमें। आखिरी गेंद होगी पावर प्ले की और बहुत ही लंबा छक्का भाई, ये गोल्ड शॉट है भाई, सीधे बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रन भाई। पावर प्ले से हमारे 28 रन आ चुके थे भाई। इस बार हमने पीछे वाला शॉट लगाया लेकिन फील्डर वहाँ पे मौजूद है, जब तक थ्रो करेंगे भाई दूसरा रन लेने का मौका है और पूरा भी हो जाएगा आसान तरीके से। इस बार भाई वाइड एयर कर गेंद है, बहुत ही अच्छा कनेक्शन हुआ 226 नंबर शॉट का और भाई तीसरी बॉल पे 6 रन आ गया था भाई। चौथी गेंद यहाँ पे और भाई ये भी बहुत ही अच्छा कनेक्शन हुआ है भाई, सीधे बॉल बाउंड्री के बाहर, लगातार दो गेंदों पे दो छक्के आ गए भाई। अब पांचवी गेंद होगी भाई और ये भी 6 भाई, क्या बात है भाई, लगातार तीन गेंदों पे तीन छक्के आ गए थे भाई। यहाँ पे देखते हैं भाई, राधा कृष्णन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं भाई, मुझे लगा था आर्म बॉल आएगी लेकिन टॉप स्पिन रही और इस बार हमने गेसिंग अच्छी की थी भाई, पहले ही आर्म के लिए गए थे और बॉल कनेक्शन भी अच्छा हो गया और भाई आर्म बॉल भी थी। इस बार भाई देखते हैं भाई, लग तो रहा है भाई बिल्कुल भाई यहाँ पे टाइमिंग नहीं हो पाया क्योंकि बॉल आर्म थी और तेज गति से थोड़ा सा तो टाइमिंग करना पड़ता है भाई इस शॉट के लिए, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छा शॉट है ये भी, फ्री शॉट है और देख लीजिए भाई लगातार यहाँ पे टाइमिंग में दिक्कत होता है भाई। ये वाला शॉट फ्री है जो कि 402 नंबर पे फ्रंट फुट पे मिलता है भाई और इसके लिए थोड़ा सा आपको लेट खेलना पड़ता है भाई। इस बार मैंने पढ़ा ही नहीं भाई, गेंद सीधे रह गई भाई, मुझे लगा था अंदर आएगी गेंद, इस बार पढ़ लिया था लेकिन बहुत ही अच्छा कनेक्शन हो गया भाई और सीधे बॉल बाउंड्री के बाद 6 रन आ गई भाई। इस बार आखिरी बॉल होगी भाई, इस इनिंग की आखिरी बॉल को भी पढ़ा है भाई लेकिन कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ, ना ही तो टाइमिंग और भाई चौका या मिल गया यहाँ पे क्योंकि गैप था और भाई कैसे ना कैसे करके हमने 5 ओवर में 70 रन का टारगेट सेट कर दिया है। प्लेटिनम 3 का बंदा है भाई तो कर सकता है आसान तरीके से। इस बार भाई वाइड एयर के साथ शुरुआत और पूरे तरह से बीट हो गया भाई सामने वाला ओपोनियन प्लेयर और इस बार गुड लेंथ पे गेंद है भाई, पुल शॉट बहुत अच्छे अंदाज में किया है भाई और एक टप्पे के साथ बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाएगी क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, ज़्यादा फील्डर बाउंड्री के पे रहते नहीं हैं। और भाई इस बार पीछे शॉट खेलना चाहते थे, गोल्ड शॉट है लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं हुई और भाई यहाँ पे हमें विकेट मिल गया भाई। निशर भाई जो कि मीडियम गेंदबाज है, इस बार वाइड एयर कर है लेकिन कनेक्शन हो गया भाई, टाइमिंग इस बार थोड़ी सी जल्दी जरूर हुई लेकिन बॉल बाउंड्री के बाहर जरूर चला गया है। इस बार भाई बहुत बढ़िया भाई, ये भाई फ्री शॉट है, बहुत ही तगड़ा शॉट है भाई यॉर्कर बॉल के लिए भाई, गुड लेंथ पे गेंद है भाई, इसको भी पुल किया है भाई अच्छा अंदाज में और भाई टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन हुआ और 6 रनों के लिए चली गई भाई। इस बार भाई पैरों पे भाई भाई खींच के मारा है गेंद को भाई, सीधे बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई, फुलर लेंथ पे बॉल थी ये। अब भाई देखते हैं भाई तीसरी गेंद और भाई क्या बात है भाई, गोल्ड शॉट, तगड़ा गोल्ड शॉट भाई, ये आसान नहीं होता है खेलना भाई। भाई पावर प्ले की 5वीं बॉल है और भाई यहाँ पे डॉट हो गई है भाई, थोड़ी सी गुड लेंथ पे बॉल थी भाई, इस बार भी गुड लेंथ पे बॉल है और भाई बहुत बढ़िया शॉट है भाई ये। भाई गुड लेंथ के बॉल के लिए बहुत ही कमाल का शॉट है भाई, यहाँ पे चौका आ गया है भाई और पावर प्ले में ही आधे रन बन गए थे भाई। इस बार युवराज सिंह वाला शॉट है भाई और टाइमिंग बहुत ही बढ़िया हुई और कनेक्शन भी, इस वजह से 6 रन यहाँ पे आ गया भाई। इस बार भाई वहीं शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बॉल आउटस्विंग थी और यहाँ पे और गेंद डॉट हो गई भाई। इस बार वाइड एयर करे भाई और बहुत बढ़िया शॉट है भाई, टाइमिंग नहीं हुई लेकिन गैप है तो चौका मिल गया यहाँ पे भाई। इस बार भाई गुड लेंथ पे गेंद है भाई, थोड़ी सी धीमी रखी है हमने और डॉट हो गया भाई यहाँ पे, अच्छी गेंदबाजी हो रही थी हमारी तरफ से भी भाई। इस पर चौथी गेंद है भाई, देखते हैं भाई और भाई टाइमिंग नहीं दे पाए भाई इस पे और एक आसान सा कैच यहाँ पे, आसान तो नहीं बोलेंगे भाई, हाँ सही कैच है भाई इस बार। इस बार भाई वाइड एयर करने की कोशिश अंदर की तरफ और भाई पीछे वाला शॉट खेलना चाहते थे, बैट पे लगी और सीधे जाके विकेटों में लग गई और भाई पारी इनकी समाप्त हो गई भाई। इस बार भाई यहाँ पे डालेंगे हमें स्पिनर के साथ वाइड ही बॉल लेकिन भाई पीछे खेला है भाई और जब तक फील्डर फेंकेंगे गेंद को तब तक एक रन लेने का मौका है भाई और पूरा भी हो गया एक रन। अब भाई यहाँ से 5 गेंदों में 11 रन की है जरूरत भाई, इस बार 226 नंबर का शॉट खेलने गए लेकिन यहाँ पे टाइमिंग नहीं दे पाए और यहाँ पे विकेट चला गया भाई। अब 4 गेंदे 11 रन भाई, देखते हैं भाई इस बार आगे बढ़ के खेलना चाहते थे भाई, स्टंप हो सकते थे लेकिन भाई गेंद थोड़ी सी वाइड थी। 3 गेंदे में भाई 11 रन भाई, इस बार बहुत बढ़िया शॉट है भाई, टाइमिंग रहता तो 6 रन मिल जाता लेकिन गैप की वजह से चौका आ गया भाई यहाँ पे। अब भाई 2 गेंदे 7 रन भाई, इस बार क्या होगा भाई, और भाई कैच यहाँ पे भाई, इस बार भाई पोजीशन नहीं कर पाए गेंद को और एक आसान था कैच यहाँ पे भाई। अब आखिरी गेंद पे 7 रन चाहिए जीतने के लिए, 6 रन चाहिए ड्रॉ के लिए भाई, गुगली के साथ तेज गति से भाई करेंगे हम और भाई रिवर्स स्विप खेलना चाहते थे भाई,
लेकिन भाई यहाँ पे डॉट हो गया भाई, और इसी के साथ जीत चुके हैं भाई हम इस मुकाबले को 6 रनों से। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर RC22 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।